आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर समाचार। मेरे साथ अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से। नवनिर्वाचित सपा बहुबली विधायक अभय सिंह ने मनाया होली मिलन समारोह। समाजवादी पार्टी से विधानसभा गोसाईगंज से नवनिर्वाचित बहुबली विधायक अभय सिंह के चुनाव जीतने पर ब्लॉक तरुण के मैदान पर सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मना गया। इस दौरान सपा नवनिर्वाचित विधायक अभय सिंह को सपा के कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारियों ने 51 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। होली मिलन के इस अवसर पर भारी संख्या में पुरुष के साथ साथ महिला भी मौजूद रही। होली समारोह में आई क्षेत्र व समाज के गरीब दलित शोषित पिछड़े वर्ग की महिलाओं ने मंचासीन नवनिर्वाचित विधायक अभय सिंह को फूल माला पहनाकर उनको आशीर्वाद दिया। अपने संबोधन के दौरान नवनिर्वाचित विधानसभा गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह ने कहा है कि जीत हमारी नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता की जीत है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमको अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भले ही हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि समाज में रह रहे दलित गरीब शोषित वंचित पिछड़े वर्ग को हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूं। देखिए हमारे संवाददाता मनोज यादव की यह रिपोर्ट। माननीय विधायक जी का स्वागत अभिनंदन और मंडन करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी माले में भी आपके साथ माना जाएगा। अभी भाई कुलदीप सिंह मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इनका चाहता हूँ स्वागत हो। हमारे समाजवादी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष मालिक राम जी, राजेंद्र निषाद जी, रामनाथ निषाद जी, भाई सुरेंद्र निषाद जी, भरवा जीवन प्रधान निषाद जी, भाई स्वामीनाथ विश्वकर्मा जी, गुड्डू निषाद जी, तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं। आगे की प्रक्रिया इनको इनके हक और अधिकार दिलाया जाएगा। जिसको जो आवश्यकता है इनको हक और अधिकार दिलाया जाएगा। भाई हमने जो घोषणा पत्र जारी किया था, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन उनका भी जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको भी हम लोग लागू कराने काम करेंगे। और अगर नहीं लागू कर पाएंगे तो जनता जानेगी कि वो गलत घोषणा करते हैं, झूठ बोलते हैं और जनता गुमराह करने काम करते हैं। सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान और आम जनता से लड़ाई लड़ेंगे। 2024 को लेकर मतलब क्या रणनीति है, किस तरीके से अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी का रिजल्ट आया है, हाँ, अगर उसमें देखा जाए तो उसका 8% बड़ा है पार्टी का, हाँ, तो 2024 में क्या लगता है आपको क्षेत्र? 2024 में जो भी सरकार बनेगी बगैर हमारे समर्थन कोई सरकार नहीं बन पाएगी। MLC के चुनाव में, हाँ, क्या लगती है? MLC के चुनाव में अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होगा तो हम चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अब तो लोगों को ये विश्वास हो गया है कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी, तो बहुत से अधिकारी भी उनके एजेंट बनकर काम करेंगे। अगर ईमानदारी से लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत जैसे व्यवस्था की गई उस व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी कम से कम 1500 वोटों से जीत करके और यहाँ से हीरालाल यादव MLC बनकर के जाएंगे।